शराबबंदी पर जो संशोधन हुआ है उसको लेकर क्या कुछ कहिएगा? शराबबंदी पे संशोधन हुआ है तो अच्छा है ना। अगर मान लिया कि किसी आदमी को पीने का मन करता है तो 5000 रुपया पॉकेट में रखिएगा देने के लिए। तो आप बढ़ावा दे रहे हैं नीतीश जी के। क्या बढ़ावा दिया? मतलब शराब जब संशोधन किया गया है तो उस बात को समझिए ना। पहले बहुत परेशानी आप लोग कहते थे कि होती है तो ये है तो जेल चल जाने से उनकी पत्नी अकेले रहती है तो 5000 रुपया दे करके छूट जाइएगा, पत्नी के साथ चल जाइएगा। तो इसका मतलब अगर हमारे जेब में 5000 रुपये है तो मैं गांधी मैदान में बैठ के शराब पी सकता हूँ? गांधी मैदान में क्या, कहीं पकड़े जाइएगा तब। सरकार का ये कहना है तो फिर कानून क्यों? नहीं 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 नहीं, गांधी मैदान में बैठ के पीने की आज़ादी नहीं दी गई है। चेकिंग के दौरान अगर पकड़े जाइएगा तब आपको 5000 रुपया दे के फाइन, अभी आप तब इतनी क्या जाएगा? आप पीजिए तो 5000 रुपया जेब में। हाँ, पीजिए माने पकड़ाइएगा जाते हुए। तो सर ऐसा तो नहीं कहीं शराबबंदी कानून को धीरे धीरे शिथिल किया जा रहा है? अब आगे कल क्या होगा ये कौन जानता है, हो सकता है खत्मे हो जाए, हमारी सरकार नहीं रहे, गठबंधन का दूसरा सरकार आवे, सुनवाई होने जा रही है फिर से इस पे सुनवाई सरकार वही ना बोले। अब मान लिया कि हमारी गठबंधन की सरकार नहीं रहेगी, दूसरा सरकार आएगा चालू कर देगा, तो उससे हम लोगों को क्या मतलब है भाई? नीतीश जी से गठबंधन आप भी तोड़ लीजिएगा। कैसे तोड़ लेंगे बात साहब, कभी नहीं टूटेगा, मजबूत गठबंधन है मेरा। सर एक आखिरी सवाल, है जब 2016 में शराबबंदी कानून लागू हुई थी बिहार में, लेकिन उसके बाद 11 बार करीब समीक्षा हुई है और जब संशोधन हुआ है तो जिस पैसे की बात आप कर रहे हैं कि 5000 के करीब छोड़ दिया जाएगा, तो क्या लगता है ये निर्णय जो सरकार का है ये सही है लोगों के लिए या गलत? देखिए इस मायने में सही नहीं है, लेकिन एक मायने में ये भी सही है कि मान लिया कि जो अपने परिवार बार बच्चों से अलग हो जाते थे दारू के केस में पकड़ाने के बाद बिखर जाते थे, तो ऐसे चीज़ों को देखते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि बिखराव ना हो और अगर पॉकेट में 5000 रुपया फाइन देने के लायक अगर आप कैपेबिलिटी रखते हैं तो परिवार के साथ फाइन दे के चल जाइए।